नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमरनाथ यात्रा शुरू, जम्मू से पहला जत्था रवाना। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने शुक्रवार को आधार शिविर यात्री निवास से हरी झंडी दिखाकर अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना किया। सिंह ने आज तड़के 5:05 पर इस जत्थे को बस से रवाना किया। राज्य परिवहन निगम की 3 बसों समेत कुल 33 गाड़ियां श्रीनगर के लिए रवाना हुई। इस पहले जत्थे को शनिवार को श्रीनगर से बाबा बर्फानी गुफा के लिए रवाना किया जाएगा। सिंह ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से सभी प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की सुविधाएं देने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 1,282 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना किया गया। इसमें 900 पुरुष, 225 महिलाएं, 13 बच्चे, 144 पुरुष साधु एवं एक साध्वी शामिल है। बांग्लादेश में फिर हिंदू पुजारी की हत्या। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित झिनाइदह जिला मुख्यालय के पास एक हिंदू पुजारी के मंदिर के बाहर कुछ अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियारों से हत्या कर दी। जिला प्रशासन के प्रमुख रहमान ने बताया कि 45 वर्षीय श्याम नंदा दास नामक पुजारी सुबह मंदिर में पूजा की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने उन पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। 16 करोड़ की मुस्लिम बहुल आबादी वाले इस देश में पिछले कुछ महीनों से इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा उदारवादी कार्यकर्ताओं, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं। रहमान ने बताया कि हमले की प्रकृति स्थानीय आतंकवादियों से मिलती जुलती है। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में हुई कई हत्याओं की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है, हालांकि सरकार ने इस बात का खंडन किया है। भारत में लाखों महिलाएं और बच्चे यौन तस्करी के शिकार। अमेरिका की एक आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि समझा जाता है कि भारत में लाखों महिलाएं एवं बच्चे यौन तस्करी के शिकार हैं। विदेश विभाग ने लोगों की तस्करी से जुड़ी 2016 की रिपोर्ट में भारत को टियर 2 में रखा है। टियर 3 में इस लिहाज से सबसे बुरी स्थिति वाले देशों को और टियर 1 में सबसे अच्छी स्थिति वाले देशों को रखा गया है। भारत के साथ अन्य दक्षिण एशियाई देशों जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को इस टियर 2 में रखा गया है। भारत के अन्य पड़ोसियों चीन, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान और श्रीलंका को टियर 2 वॉच लिस्ट में रखा गया है। इस श्रेणी में 2 वर्ष तक रहने वाले देश स्वतः टियर 3 की सूची में आ जाते हैं। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री के पास 2 साल की छूट देने का अधिकार होता है।